नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ तोरई से बने बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के जरूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे आधा किलो तोरई, और इस तरीके से देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। तोरई आप अपने जरूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो तोरई को मैंने यहाँ पे पील नहीं किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे काटना है। तो इस तरीके से हम पहले तोरई को अच्छे से धो लेंगे और चाकू की मदद से इस तरीके से हम स्किन को निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने पील करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप कौन से शहर से या कौन से गांव से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की रेसिपी बनाने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो इसी तरीके से मैंने सभी तोरई को काट लिया था। तो देखिए कुछ इस तरीके से पील कर लिया, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे और ऊपर काट देंगे। बीच में से इस तरीके से हम पहले चीरा लगा लेंगे, देखिए, और फिर इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो चलिए शुरू करते रेसिपी। बाकी मसाला मैं बनाते टाइम बता दूंगी। कढ़ाई में हम ले लेंगे 3 चम्मच तेल। तेल जैसे गर्म हो जाए हम डालेंगे 2 छोटी इलायची, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे अभी हम, और डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। आधा चम्मच हम डालेंगे हींग, और सभी चीज़ों को हम पहले फ्राई कर लेंगे। जैसे जीरा अच्छे से फ्राई हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, और डालेंगे 8 से 10 लहसुन को बारीक चॉप करके। प्याज के साथ ही हम लहसुन डाल देंगे। प्याज को अब हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट, जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। 4 से 5 मिनट मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है, इससे ज़्यादा प्याज का कलर चेंज नहीं करेंगे। डाल देंगे हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। साथ ही हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे। डालेंगे नमक स्वादानुसार, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 3 से 4 मिनट भुनेंगे, जब तक हल्का टमाटर हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। टमाटर डालने के बाद मैंने 3 से 4 मिनट मसाले को भून लिया है। टमाटर भी हल्का हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे तोरी। मसाले के साथ हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और गैस का फ्लेम लो मीडियम करके ढक के पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक तोरी हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। लेकिन बीच बीच में खोल के हम बार बार स्पैचुला से चलाते भी जाएंगे। आधा चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला। तोरी में से काफ़ी एक्स्ट्रा पानी निकलेगा ढक के पकाने से, तो उसी पानी से तोरी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अलग से पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए गरम मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस का फ्लेम लो मीडियम करेंगे और ढक के पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए, और बार बार हम स्पैचुला से चलाते भी जाएंगे। 15 मिनट हो गए तोरी को हमें ढक के पकाते हुए। तोरी अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो चुका है। लास्ट में हम डालेंगे हरा धनिया, और खोल के तोरी को हल्का ड्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। और आप देख सकते हो तोरी में से कितना एक्स्ट्रा पानी निकले है। तो इसी पानी से हमारा जो तोरी है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। मीडियम फ्लेम में मैंने 2 मिनट के लिए तोरी को हल्का ड्राई कर लिया, इससे ज़्यादा और ड्राई नहीं करूँगी। अगर आपको पूरी तरीके से सब्जी को ड्राई करना है तब आप यहाँ पे 2-3 मिनट और पका लीजिएगा। तो तैयार हो गया हमारा टेस्टी तोरी की सब्जी। देखने में जितना आपको ये टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। बस एक बार ज़रूर बनाइएगा।
तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप एक बार जरूर बना के देखिएगा और खाने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।